वेलकम टू एनकेटेक लर्न। पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ आरएस इतना अमाउंट टू इतना इन सिक्स इयर्स, व्हाट विल इट अमाउंट टू इन टू इयर्स एट द सेम रेट। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें बोला है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 460, ये सिक्स इयर्स में कितना हो जाता है 640, यानी कि टोटल अमाउंट इतना हो जाता है सिक्स इयर्स में। तो आपको निकालना है कि टू इयर्स में सेम रेट से कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए पहले, एस आई इज कल क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, 640 माइनस 460 ये कितना हो गया 081, इतना आ गया। ये 6 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, एस आई ऑफ 6 इयर्स। तो 1 ईयर का एस आई कितना हो जाएगा, 1 ईयर एस आई इसका स्कूल कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, कितना हो गया 30 रुपीज। तो यहाँ पे निकालना क्या है, टू इयर्स में कितना अमाउंट होगा। तो टू इयर्स में कितना होगा, तो देखिए आपको 1 ईयर का एस आई निकल गया 30। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, हर ईयर सिंपल इंटरेस्ट सेम ही लगता है। तो टू इयर्स में कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट इन टू ईयर इसका उसको क्या हो जाएगा, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 30। फिर वही रिपीट होता है इस केस में, दो ईयर के लिए लिए हैं तो दो बार 30 30 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यहाँ पे देखिए 460 प्लस 30 प्लस 30, यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 120 आ गया। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टू इयर्स में कितना होगा सेम रेट से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स, द रेट परसेंट पर एनम इज। इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें मान लीजिए 100 है, पी गिवन नहीं है तो उसको 100 मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट टू 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स, 3 ईयर में क्या हो जाता है 7/4 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कितना माने हैं 100, ये हो जाता है टोटल अमाउंट, इसका टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे निकालना क्या है आपको, आर इज कर्स टू क्या होगा, रेट निकालना है, रेट ऑफ एस। तो यहां से देखिए ए इज कर्स टू कितना आ गया, ए इज कर्स टू आ गया कितना 7 × 25, इज कर्स टू कितना हो गया 5 175। तो एस आई इज कर्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज कर्स टू ए माइनस पी कर दीजिए, 175 माइनस 100 ये आ गया कितना 75। तो अब एस आई का फॉर्मूला निकाल दीजिए, यहां से एस आई इज कस्ट टू कितना होता है पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, दिस इंप्लाइज एस आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 75 इज कस्ट टू पी कितना माने 100, आर निकालना है और टी कितना है 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से आर कितना आ गया, इधर 3 डिवाइड कीजिए तो आ गया 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट रेट इतना पर एनम
फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th of February 2005 टू 18th of April 2005। तो इसमें देखिए आपको पी गिवन है सॉल्यूशन सिंपल इंटरेस्ट, इसमें एस आई इज इक्वल टू आपको निकालना है, एस आई फाइंड आउट करना है। पी गिवन है कितना 3000, रेट गिवन है आर इज इक्वल टू 6 1/4 यानी कितना हो गया 25/4% और टाइम पीरियड आपको गिवन है तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया देखिए 4th of February 2005 से 18th of April 2005। तो फरवरी में देखिए ये नॉन लीप ईयर है तो इसमें 28 डेज होता है तो इसमें कितना बचा 4 से 28 माइनस 4 कर दीजिए फरवरी में 24 डेज प्लस उसके बाद मार्च आता है मार्च में 31 डेज प्लस 18th अप्रैल अप्रैल में 18 डेज ये टोटल डेज आपको गिवन है इतना डेज के लिए निकालना है इतना डेज आया तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए ये कितना हो गया 9 और ये हो गया ये आ गया 73 और डिवाइडेड बाय 365 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा ईयर में डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लिए तो ये डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 1/5 ईयर। तो अब यहाँ पे फार्मूला पुट कर दीजिए एस आई इज इक्वल टू क्या होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ से कितना हो गया पी कितना है 3000 इंटू आर कितना है 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टी कितना आया 1/5 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ से 20 कैंसिल 5 से 5 टाइम्स कैंसिल ये कितना हो गया ये आ गया 75 डिवाइडेड बाय तो कितना आ रहा है 37.50 तो एस आई इज इक्वल टू आ गया कितना 37.50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया ए हो गया इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए जो डेज हम लिखे हैं यहाँ पे यह है फरवरी का यह है मार्च का और यह है अप्रैल का क्योंकि 18th ऑफ अप्रैल तक ही ये पीरियड आपको गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट इतना परसेंट पर एनम अमाउंट टू इतना आफ्टर 4 इयर्स फाइंड द सम। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है इसका सॉल्यूशन देखिए रेट गिवन है कितना आर इज इक्वल टू 13.1/2 27.2% आ गया अमाउंट टू इतना आफ्टर 4 इयर्स टोटल अमाउंट गिवन है टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 2502.5 टाइम गिवन है 4 इयर्स तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है P इक्वल्स टू R। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पर रहते पिछले लेक्चर में P इक्वल्स टू होता है 100 A अपॉन 100 प्लस आर टी तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 100 इंटू ए कितना गिवन है 2502.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर कितना है 27/2 इंटू टी कितना है 4 तो यहां से कितना आ गया ये 2 से कट गया तो 100 इंटू 250.5
डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये हो गया 4 5, यहाँ से कितना हो गया 250, 250 डिवाइडेड बाय 154। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आ जाता है 1625। तो ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन आरएस इतना एट रेट इतना पर एनम फॉर 9 मंथ्स। तो इसमें देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, रेट गिवन है कितना 16 × 2/3, तो ये कितना आ रहा है 50/3%। टाइम पीरियड गिवन है कितना 9 मंथ, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, 9/12 ईयर। और पी भी गिवन है, पी यहाँ पे पी इक्वल्स टू 68000। तो एस आई इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 68000 इंटू आर कितना है 50/3 इंटू टी कितना है 9/12/100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 9 से 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कट गया। यहाँ से देखिए 4 से इसमें कट जाएगा, 4 से 1 से 1 जीरो ये कट गया, 170 × 50 इसका स्कोर कितना हो गया 0085। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 3 इयर्स एंड इतना इन 5 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। तो यहाँ पे आपको पी निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। सॉल्यूशन देखिए इसका, इसमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए पी है, ये 3 इयर्स में, 3 इयर्स में हो जाता है कितना 3080। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3080 इक्वल्स टू पी प्लस एस आई ऑफ 3 ईयर, और पी जो है 5 इयर्स में कितना हो जाता है, 5 इयर्स में कितना हो रहा है 3400। तो इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस एस आई ऑफ 5 ईयर। तो इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे क्या मिलेगा, पी से पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर क्या आ गया 0 2 3 इक्वल्स टू हो गया कितना एस आई ऑफ 2 ईयर। तो यहां से एस आई ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, एस आई ऑफ 1 ईयर इक्वल्स टू 320/2 कर दीजिए, यहां से कितना हो गया 160। तो एस आई ऑफ 3 ईयर कितना हो जाएगा, एस आई ऑफ 3 ईयर, SI of 3 year is equals to 160 × 3 कर दीजिए, 480 हो गया। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
एस आई ऑफ 3 ईयर की जगह पे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं कितना 3080 इक्वल्स टू पी प्लस एस आई ऑफ 3 ईयर की जगह पे इतना रख दीजिए 480। यहाँ से पी मिल गया आपको, पी इक्वल्स टू 3080 माइनस 480, ये कितना आ गया 0062। तो यही आपको निकालना था प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए सम ऑफ मनी इतना इज लेंड इन टू पार्ट्स, वन एट 7% पर एनम एंड अदर एट 4% पर एनम, एक 7% पे और एक 4%। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज कितना, व्हाट इज द अमाउंट लेंड एट 4% पर एनम। तो इसमें देखिए गिवन क्या है, टोटल मनी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000। इसको दो पार्ट में दिया गया है, एक 7% पर एनम पे और एक 4% पर एनम पे। तो आपको निकालना है 4% पर एनम पे कितना दिया है, और टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 1 ईयर का 900। टोटल एस आई इसका उसको कितना गिवन है 9 ईयर, 1 ईयर का। इसको दो पार्ट में दिया है P1 और P2। P2 हम लोग मान लेते हैं X, ये है 4% पे और ये है 7% पे। तो 4% वाला निकालना है तो हम 4% वाले को X मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7% वाला 15,000 माइनस X कर दीजिए, ये इतना हो गया। तो अब दोनों के लिए SI निकालिए, SI1 कितना हो जाएगा, SI1 इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो P1R1T डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, P1 कितना है 15,000 माइनस X, R1 कितना है 7%, टाइम है 1 ईयर के लिए, डिवाइडेड बाय 100। फिर इसी तरह से SI2 निकालिए, इसको अलग कलर से देखते हैं, SI2 इसके लिए निकालते हैं, तो P2R2T डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे P2 कितना है, P2 हम लोग माने हैं X, X इंटू R कितना है 4, टाइम है 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। अब दोनों मिला के आ रहा है कितना 900 सिंपल इंटरेस्ट। तो SI1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI1 प्लस SI2 दोनों मिला के आ रहा है कितना 900 रुपीज। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, 4x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 900। तो यहां से देखिए 100 कॉमन आ रहा है, तो नीचे में आ गया 100, ऊपर में कितना हो जाएगा 105, इतना माइनस 3x इक्वल्स टू ये हो गया 900 इंटू 100। तो इसको इधर भेजिए और इसको इधर लाइए, तो यहां से 3x इक्वल्स टू आ गया कितना
3x की इजकस टू आ गया कितना 15000, तो x इजकस टू कितना हो गया 5000। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप सिंपल इंटरेस्ट का आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।